की दाल और चावल को रात में भिगोकर सुबह धोकर पानी से निकाल लेंगे और मिक्सी में इसको अलग-अलग पीस लेंगे। दोनों ही चीज़ों को अलग-अलग पीस लिया है, ये है हमारी दाल और ये है चावल। अब कर देंगे दोनों को अच्छे से मिक्स। अब बनेगी चटनी, भुने हुए मूंगफली के दाने, फ्रेश नारियल, धनिया पत्ती और पुदीना और हरी मिर्ची, कच्चा आम, मसाले वाला नमक, जिसमें सब कुछ है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। चटनी तैयार है और अब लगेगा राई करी पत्ते का तड़का। सब्जियां कट चुकी हैं सांभर के लिए। सांभर में तड़का लगाएंगे। गरम तेल में राई, जीरा, करी पत्ता, प्याज डालकर भून लेंगे। सभी सब्जियां डालकर डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और बड़ा सा चम्मच भर के सांभर मसाला। अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे और अरहर की दाल, पकी हुई दाल उसमें मिलाएंगे तो सांभर हो गई तैयार। डोसे भी बन चुके हैं। ये देखिए बढ़िया, कितने क्रिस्पी डोसे बन गए और थाली हो गई तैयार। आप लोग भी आ जाइए और बताइए कि कैसे बने हैं।